वो कल मैंने न्यूज में देखा था आमडंडा गेट पे है। आमडंडा गेट से पहले जो बैंड है ना, हाँ, यहाँ पर अभी कल भी आया था और दो तीन दिन पहले भी। हाँ, टाइमिंग क्या है उसकी? टाइमिंग का कुछ नहीं, समय रात का कभी भी आ जाता हूँ। चलो देखते हैं फिर। चलो तो हमारे साथी अब आ चुके हैं और हम अब जा रहे हैं आगे की ओर। हमारे साथी जो आए हैं वो हैं साबू भाई, जिनके साथ हम अक्सर सफारी करते हैं और हमारी सफारी जो है साबू भाई बुक करते हैं कि ये जो इनकी जिप्सी है उसके ऑनर भी हैं। तो अभी तक हमारी सारी जो सफारी हुई है रामनगर में वो हमने साबू भाई के साथ ही करी है और बहुत ही एक्सपीरियंस है इनको वाइल्ड लाइफ का, तो इसलिए हम उनको साथ लेके जा रहे हैं। बहुत ही शानदार जंगल। तो शुरुआत हो चुकी है वाइल्ड लाइफ की और ठीक सामने सांबर डियर आप देख सकते हैं और इसके पिछले हिस्से में कुछ निशान लग रहे हैं जैसे काफ़ी गहरे घाव इसको कभी हुए होंगे जो कि अब भर चुके हैं और हो सकता है कि बाघ के हमले के निशान भी होंगे, ऐसा इसको देख के लगता है जो कि निशान है। तो यह है सांबर डियर जो कि रात के अंधेरे में भी कुछ चबा रहा है, घास खा रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर कभी मैन ईटर टाइगर का जो है बहुत ही खौफ होता था और काफ़ी लोगों को उसने यहाँ पे मारा भी था, लेकिन अब जो वो टाइगर है पकड़ा गया है तो आजकल यहाँ पे काफ़ी शांति है और उसके बाद अभी तक कोई ऐसी घटना इस जगह पे नहीं हुई है। और यहाँ पर एक पानी का जो है बरसाती नाला भी है क्योंकि बरसात में काफ़ी पानी इसमें आता है और अभी हाल में इसमें जो है बर्फ भी गिर रही थी। तो ये है बहुत ही खतरनाक जगह जहाँ पर अक्सर टाइगर और एलिफेंट देखने को मिलते हैं। घड़ी और जल्दी नवंबर में खुलने वाला है, 15 नवंबर से यहाँ सफारी जो है चालू हो जाएगी। ये रास्ता आगे जाता ही जाता मोहन की ओर और यहाँ से आप निकल सकते हैं रानीपेट और केदारनाथ भी आप यहाँ से जा सकते हैं और एक बहुत ही फेमस जगह है मोहनला। लोमड़ी नहीं है, ये कुछ और है। लोमड़ी है यार,
बर्ड वॉचिंग करते हैं तो वहाँ पर चीफ पिजन बर्ड है जो बहुत ही रेयर है वो देखने को मिलती है मनीला में। यही रास्ता जो है मनीला में जाता है। तो धनगढ़ी नाला जो है काफ़ी पानी इसमें आता है बरसात में। इसी नाले में एक बस कही थी कुछ टाइम पहले, वो ड्राइवर की गलती थी, जबरदस्ती बस निकाल रहा था वो। हाँ इसका टायर ही और डाल दिया उसने। यहाँ भी पुल का बंद, पुल यहाँ पुल, यहाँ भी पुल के लिए काम हो रहा है। तो हम पहुँच चुके हैं मोहन, हम जाएंगे अभी आगे की ओर, तो जाते हैं देखते हैं। एक रास्ता यहाँ से आता है मर्तबा ना, मनीला का रास्ता है ये सामने का रास्ता है। अभी हम कहाँ जाएंगे, रोड कहाँ तक जाती है? ये रानीखेत वाली। अच्छा ये रानीखेत वाली है, बिक्किया से हमारे गांव में जाती है रोड। हाँ हमारे गांव वाली रोड है। अगली बार इसी रोड से जाऊंगा यार मैं तो कह रहा था कि जी इस बार मैं अपने गांव यहीं से गया। बहुत बढ़िया रास्ता है, बहुत बढ़िया रास्ता है। यहाँ से ये जो रास्ता ये निकलता है रानीखेत और भिक्किया सेन और केदारनाथ भी रास्ता जुड़ जाता है आगे। रिजॉर्ट है ये रास्ता नदी भी जाता है सीधे वो तो अभी जाने लायक नहीं है क्या? पर तो यार स्पोर्ट्स का कोई फील्ड भी है। हाँ वो पीछे तो है वहाँ पे आर करके। यह है डोडन, यह है जगह राइट राइट गेट और तो है अप्रैल के मैंने लिखा था 22 साल। दोनों करंट लगा रखे यार अरे वो अपने ना। तो हमारी वापसी अब हो चुकी है और हम पहुंचने वाले हैं बिजरानी जो गेट है उसके ठीक सामने।
अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर भी टाइगर की सेटिंग हुई थी मिलकर, मैं आज देखने को नहीं मिला। किस्मत की बात है दोस्तों, कभी मिलता है कभी नहीं, पर हमारा प्रयास जारी है अभी भी, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं इसके बाद एक दूसरे जंगल में, तो हो सकता है कि वहाँ कुछ मिले। यह रामनगर का कोसी बैराज बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है आजकल, क्योंकि सारी रंग पुताई हो चुकी है इसकी जी 20 के उपलक्ष्य में, काफ़ी यहाँ पर बर्ड आती हैं माइग्रेट होके जाड़ों में, काफ़ी फोटोग्राफर आते हैं यहाँ पर बर्डिंग के लिए भी। से हम पहुंच चुके हैं जंगल के अंदर, और जंगल में काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं कीड़े और मकोड़ों की, बिल्कुल अंधेरी रात। और छोटे भाई दीपांकर, छोटे भाई दीपांकर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और अभी लाइट बंद कर दी है। देखिए कैसा डरावना मंजर है, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, चंद्रमा भी नहीं है। पाउल बहुत ही सुंदर, विशाल का ये बरगद का पेड़ यहाँ पे, और ये फॉरेस्ट है सागौन का, अधिकांश जंगल जो है सागौन का है, पेड़ यहाँ पे सब बगल में तो खोरा हुआ है ये हाथियों की वजह से, क्योंकि हाथी यहाँ पे रोड पर जाते हैं, तो ये फॉरेस्ट वालों ने हाथियों की वजह से बगल में खोद दिया है। अब हमारी वापसी का टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम से हम ड्राइव कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं अपने शहर काठगांव को। तो दोस्तों आज का जो हमारा रात का सफ़र था, उसमें कोई हमें बाघ या एलिफेंट देखने को नहीं मिला, तो जो भी हमें देखने को मिला आपको हमने दिखाया, और हमारी कोशिश रहेगी आगे भी हम इस प्रकार से नाइट ड्राइव करें और आपको दिखाते रहें। जी अब पहुँच चुके उस जगह जहाँ से हमने शुरुआत करी थी नगपे कैफे से दीपांकर जी के साथ, तो वापसी हो गई है। दीपांकर जी अब जाएंगे अपने घर को और मेरा स्कूटर सामने खड़ा है, तो मैं भी निकलूंगा अब काठगांव की ओर। तो दीपांकर जी चला जाए फिर अब। जी 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 करते हैं, जल्दी कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे अब, ये ब्लॉग आप देखोगे मेरा, ठीक है? ठीक है फिर, ओके बाय। दोस्तों आप सभी लोगों से भी विदा लेता हूं मैं, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आगे भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे ब्लॉग दिखा सकें। तो टाइगर मिलना और नहीं मिलना तो किस्मत की बात है, लेकिन अपनी नाइट ड्राइव जो है हम चालू रखेंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे अपने नए ब्लॉग में।